आश्रम से क्या बोलते लड़की को? लड़की कुछ नहीं, उसके प्लेट घुटने का ऑपरेशन हुआ था बस का। अच्छा, ये सिस्टर ये साथ ही आती थी, मैं तो कम ही आता था। ये सिस्टर हड्डी बढ़ गई थी, यहाँ पर हम इलाज कराने आए थे, यहाँ से हमारा इलाज शुरू हुआ। और जांच वगैरह यहाँ से हुई, रिपोर्ट उपोर्ट मिली कि तुम्हारी रिपोर्ट ठीक है। डॉक्टर कहने लगे, डॉक्टर कहने लगे रिपोर्ट ठीक है। जैसे जैसे इलाज बढ़ता गया ठीक ठीक बोलते गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि डेट दे देंगे ऑपरेशन की, फिर डेट दी, फिर उसी डेट में उसका एडमिट हुई, फिर ऑपरेशन हुआ उसका। चार तारीख को हड्डी का जो बड़ी हड्डी बढ़ गई थी, दोनों पैर है ना टेढ़े हो गए थे कैल्शियम से दोनों, और दोनों का ऑपरेशन बोला गया था पहले एक का फिर बाद में दूसरे का। तो एक का ऑपरेशन हुआ था अभी 4 तारीख को, 1 महीने इस 4 को ही पूरा हुआ है। 1 महीना होने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि प्लेट निकलेगी, उसमें प्लेट डाली होगी डॉक्टर ने, स्टील की होती है जो निकलेगी। तो अभी इसी थर्सडे को उसकी प्लेट निकली, इसी थर्सडे को। हाँ, तो फिर हमें ज़्यादा नहीं मालूम, डॉक्टर को मालूम है कि निकालनी है नहीं निकालनी। डॉक्टरों को ठीक नहीं था, बोला कि निकलेगी, उन निकाल रहे थे, निकल भी नहीं रही थी। ये गुनगुन है, ये दीदी थी हमारे सामने, मतलब उसकी हालत, उसका पैर इतना सूज रहा था, लाल हो रहा था, जबरदस्ती अंदर प्लास डाल के उसकी प्लेटें निकाली, खींच के, सुन भी नहीं करा उसको, फिर भी वो बोल रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे सुन करोगे, बेहोश करोगे। डायरेक्ट बोलते कि नहीं, आपको सुन नहीं किया जाएगा, बेहोश किया नहीं जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे बिना सुन की हालत। बिना सुन के प्लास से निकल नहीं रही थी। मैं इस डॉक्टर का नाम नहीं जान, मैं पहचान लूंगी डॉक्टर को, जानती हूँ मैं डॉक्टर को, जानती हूँ जिसने ऑपरेशन किया उसे भी जानती हूँ। कल उसे एमरजेंसी में जो दवाई खिलाई, सुई लगाई, कल उसे भी मैं जानती हूँ। नहीं तो जब वो प्लेट निकाली थी ना, जब भी उनकी हालत सीरियस थी, जब उसकी प्लेट निकाली ना जबरदस्ती खींच के, इन्होंने क्या करा ना, एडमिट करा ना देखा, उसको घर भेज दिया। और छोटे डॉक्टर ने निकाला, बड़े डॉक्टर तो बोल के चले गए कि प्लेट निकलेगी, तो निकल नहीं रही थी प्लास से जबरदस्ती खींच के निकाली। हम कल तबीयत खराब हो गई थी उसकी, प्लेट निकालने के बाद में घर जाती हूँ कि नेक्स्ट दिन उससे बुखार होता है काफ़ी, बहुत बुखार होता है, उसमें बहुत शरीर भारी होता है, और ये सर दर्द, पेट दर्द, सब उसकी हालत खराब हो जाती है, उल्टी होती है, फिर वो 2 दिन खाना भी नहीं खाती, उल्टी करती है, बुखार, प्लेट निकलने के बाद ये सारी, हाँ उसकी हालत खराब हो जाती है। एक प्लेट निकाली, एक अभी निकलने वाली थी, हाँ हालत खराब हो जाती है वो। तो मैं रात को लेके आई, बीपी भी बढ़ गया उसका, मैं रात का काम हुआ था, लो हुआ था। तो मैं लेके आई 14 नंबर में, वहाँ पे डॉक्टर थी बड़े वाले, मैं जानती हूँ, और वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन दिया और उसे टैबलेट दी जो मेरे पास रखी है, दोनों मिला के खिलाना कि दर्द की। फिर मैं घर लेके जाती तो अभी उसकी मौत की वजह क्या बताई जा रही है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूँ कि कोई बोननेस कुछ होती है उनकी, जो बढ़ जाता है हार्ट बीट उसके कम हो जाती है। एक तो उसका बताया, क्या नाम है, डेंगू का भी लक्षण बताया थोड़ा सा डॉक्टर। अच्छा, तो डेंगू की, तो आपने बोला नहीं कि ये जितने भी इसकी कंडीशन बिगड़ रही थी ये प्लेट निकालने के बाद? कल में इमरजेंसी में लेके मैंने डॉक्टर से बोला इसकी हालत सीरियस है, डॉक्टर जी आप देखिए जब से प्लेट, कल एडमिट भी करा उन्होंने, बुखार हो रहा है, कल एडमिट नहीं किया उन्होंने, इसे बुखार हो रहा है। कल मैं लेके गई डॉक्टर से, बड़े वाले डॉक्टर से बोला कि इसे बुखार हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, सांस लेने में हो रही है प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर सीधा क्या बोलते हैं कि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं हड्डी देख सकता हूँ, अब हड्डी में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी हड्डी का क्या दर्द है, उतना ही बताओ उतना ही रिपोर्ट अपॉइंटमेंट ले रहे थे हड्डी की। और डॉक्टर रहता कोई बात नहीं है, हड्डी का डॉक्टर थोड़ा देख तो लो। और फिर उन्होंने सुई लगाई, इंजेक्शन, ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूछ रहे थे।